स्वागत है आपका संघर्ष न्यूज लाइव में। मैं विवेक चौहान और आज पहुंचे हुए हैं कोपागंज ब्लॉक के कुड़रा गांव, यानी ये कहें तो छोटी सरयू जिन्हें कहते हैं। तो छोटी सरयू की जो आज स्थिति है, आइए आपको कैमरामैन से थोड़ा कहेंगे कि देख लीजिए छोटी सरयू में किस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार भरा हुआ है। कहीं ना कहीं जो बरसात का पानी होता है इसमें जगह जगह इकट्ठा होता है और सिर्फ ये एक तरह से कहें तो कूड़ेदान इसको बना दिया जाता है। और इसमें सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होती है, क्योंकि ये अगर सही से इसकी खुदाई होती और इसका जो अगर उस हिसाब से होता तो कहीं ना कहीं ये पानी सही जगह पे निकल जाता और ये हमेशा साफ़ सुथरा होता। तो आइए एक यहीं के ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं क्या है। बताइए आपका नाम। कृष्णानंद सिंह भावरकोल। ये देख रहे हैं छोटी सरयू जो जगह जगह गंदगी का सिर्फ अंबार भरा हुआ है, इसमें न कहीं पानी है कुछ नहीं है। और काफ़ी से बताते हैं लोग कि ये जब भर जाता है तो काफ़ी किसानों की जो बुआई उवाई में भी दिक्कत परेशानी होती है। क्या है पूरा? कम से कम 20 गांव प्रभावित होता है इस पानी के नौ निकासी के कारण। हम 20 सरयू में खड़ा हूँ, 20 छोटी सरयू में खड़ा हूँ और प्रशासन की खुदाई कराती है। ये 20 सरयू में खड़ा हूँ, यहाँ की स्थिति देखिए और बगल की स्थिति देखिए। खुदाई जब लोग करते हैं, आइए हम आपको बताएं क्या खुदाई होती है। खुदाई तो यह होती है कि इसी मिट्टी को खन को ऊपर फेंक दिया जाता है और खुदाई और पेमेंट ले लिया जाता है, न कि बीच में कहीं कभी खुदाई नहीं हुई होती है। आइए देखिए यहाँ, यहाँ देखिए खुदाई हुई है। बताइए, आइए आइए आप उधर। तो देख रहे हैं जगह जगह, हाँ जगह जगह कितना है जाम। अच्छा, ये जब भारी बरसात होती है उस समय इधर के जो किसानों की जो फसल होती है कैसे नुकसान हो जाता है? 20 कम से कम 20 गांव है कोपागंज ब्लॉक में, कम से कम 20 गांव है जो कि धान तो होता ही नहीं है, गेहूँ भी नहीं होता है, पानी निकलता नहीं है नवंबर दिसंबर जनवरी तक। जब जाम है नदी तो कहाँ से निकलेगा? इसका कारण क्या है? कारण है प्रशासन, प्रशासन देखता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इसका पता चला कि इससे करोड़ों रुपए भी गबन हो चुके हैं, उतार लिए गए, जो कि अगर कहें तो कितना किलोमीटर कुछ था उसमें भी घोटाले कर दिए। तो आप देखिए कहाँ खुदाई हुई है, बताइए, फोटो खींचिए, आप भेजिए जोगी जी को, कहाँ खुदाई और पेमेंट हो रहा है? ईमानदार सरकार चल रही है, देखिए आप फोटो बनाइए, यहाँ खुदाई हुई है, खुदाई नहीं हुई है, पेमेंट हो रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार, अभी भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर 110% है, 101% नहीं 110% है सरकार में, सिर्फ कागजों में, कागजों में खुदाई हो रही है। हाँ, अरे कह रहे हैं कि सब खोद उद के सब चिकन कर। अरे श्रीमान आप भी देख रहे हैं मौके पर, आप भी हैं हम भी हैं, यहाँ खुदाई हुई है कि नहीं हुई आप भी बतावें, आपका तो फोटो बताएगा। कागज बता रहा है कि हो गया, तो कागज बता रहा है तो प्रशासन में कागजे चलता है, मौका नहीं चलता है। मौका नहीं, मौका कहाँ चल रहा है, देख लिया है आप, मौका चलता तो आप फोटो खींच के भेजिए जोगी जी को।